ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया तोला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NJD व्लॉग। सो फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब चलेंगे हम कोहिमा। कोई फोन कर रहा है, पिक अप इसको। हेलो हेलो हेलो, दोस्तों का फोन आ रहा है, लेट मी पिक अप देयर कॉल। फोन पिक अप कर लेता हूँ एक बार। हेलो काटी रख रख तेरी माँ की रख। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और हाईवे में हूँ, ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला सकता क्योंकि यह गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा है। 1 2 3 4 तो स्लो चलाना है बेटर है। मैं और ऑलमोस्ट मैं अराउंड 60 के स्पीड में हूँ और ये गाड़ी मुझसे भी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, तो बेटर है अपना साइड लेकर आराम से चले, चाहे लेट पहुँचे कोई बात नहीं, पर सेफली चलना बेटर रहेगा। और फ़ोन वगैरह का भी आप वाइल ड्राइविंग फ़ोन को यूज़ ना करें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। बात करना है ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है, आप साइड में रोक लीजिए, साइड में रोक कर आराम से बात कर लीजिए, बात करने के बाद फिर से आप ड्राइविंग स्टार्ट कीजिए। सो यहाँ से हमारा 2-way हाईवे ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग सिंगल वे में आ चुके हैं। अब यहाँ से चलना है या कोहिमा तक, कोहिमा तक का रास्ता कैसे रहेगा हम लोग देखते हैं। अभी थोड़ा आगे चलते ही हमें पटका ब्रिज मिल जाएगा, तो देखते हैं आगे। तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा था, 2-wheeler के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था रास्ता। अभी सुनने में आया बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, मैं भी आया नहीं, अराउंड 2-3 years के बाद मैं आ रहा हूँ इस रोड पर। आगे तो आया करता था पर अब बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ, देखने में तो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, रोड भी सही सा है, पानी रेन भी हो रहा था थोड़े दिन के पहले, पर तभी भी देखने में तो ठीक ठाक सा लग रहा है, व्यू भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। चलते रहते देखते रहते रोड कैसा रहेगा, कंडीशन कैसा है। सुनने में आया था कि लाल माटी एक जगह है आपका फीमा पार करके, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुआ हुआ है शायद, अब तक तो रोड क्लीन हो चुका होगा। तो सुनने में ये भी आया था कि लैंडस्लाइड के बाद थोड़ी देर के बाद ही रोड क्लीनिंग का काम भी शुरू कर दिया था क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो होप कि रोड क्लीन है। तो पटका ब्रिज पार करते ही हमें सामने में आपको फ्रूट्स का बहुत अच्छा सा एक शॉप मिल जाएगा, यहाँ से आपको फ्रूट्स वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो जर्नी के लिए आप ले सकते हो, रास्ते पे खा सकते हो। और आगे चलते हैं, और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आप सबको बताना चाहूँगा कि नागालैंड में जितना भी आपको ब्लैक बेल्ट है वो सब आने वाले इस कोर्स को करने के लिए, तो इट विल बी बहुत इंटरेस्टिंग सा रहेगा, बहुत सही सा रहेगा, सबको गेटर होंगे, गेदर होकर एग्ज़ाम वगैरह चलेगा, प्रैक्टिकल भी होगा आपका, थ्योरी वगैरह सब कुछ होगा। तो चलते आपको सारा मैं व्यू दिखाऊंगा, एग्ज़ाम का भी ट्राई करूंगा दिखाने, इट्स नॉट अलाउड बट उनसे मैं ट्राई करूंगा दिखाने के लिए। और आगे क्या देख, और ये जो रोड बन रहा है ये बहुत सही सा लग रहा है क्योंकि इसको आगे तो ये साइड से हुआ करता था रोड, पर अभी ये बीच से काटा गया है, तो बीच से इसने रोड बनाया हुआ है, बहुत सही सा लग रहा है देखने के लिए। और आगे एक आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत सही सा व्यू है, आप ज़रूर देखिए इसको। तो अब आगे चलते हैं, अभी यहाँ का रोड तो बहुत ज़्यादा सही है, वेदर भी अभी तक तो ठीक है, पता नहीं कब तक वेदर ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जितना ही अंदर जा रहा हूँ कोहिमा की तरफ जा रहा हूँ वेदर उतना ही डार्क हो रहा है, क्योंकि
दिमापुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ में थोड़ा टेम्परेचर ठंडा है। तो चलते चलते हमको एक फ्रूट्स का शॉप मिला, बहुत अच्छा से इन्हें डेकोरेशन कर रखा है, देखते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अरे जी तो नाला ये तो अमरा से नहीं कि अमरा लगती अले प्लम से तो तमे तमे मुझे तो तमे तो से ना भावना कर छी तो अच्छा से नहीं पाल किसी फल दिखे से तो ड्राइव करते करते फाइनली कोहिमा के सामने पहुंच गया हूँ। ये देखिए आप कोहिमा गेट, वेलकम टू कोहिमा। पर यहाँ का रोड पानी से भरा हुआ है, डेट मीन्स हमें रेन हुआ है। तो देखते हैं, अभी तो रेन नहीं हो रहा है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो रेन का बात हम लोग बोल ही रहे थे कि रेन हो चुका है स्टार्ट। सो मैं यहाँ का वीडियो नहीं कर पाऊँगा, क्यों मैं एक्चुअली फ़ोन से कर रहा हूँ वीडियो, और फ़ोन में अगर पानी खींच गया तो सीन कुछ और ही हो जाएगा। अभी हम लोग चलने वाला है उस रास्ते पर, तो हमने फोटो वगैरह भी खींच लिया, एक दो व्यू का क्लिप्स भी हमने ले लिया है। अभी हम लोग चल रहे हैं, पर रास्ता हम लोग खो गए शायद से, मेरा दोस्त जाएगा पूछने के लिए, वो रास्ता भूल गए थे कि स्टेडियम किस तरफ था। पर मेरा दोस्त ने एक लड़की से पूछ के रास्ता का पता कर लिया है। लड़कियों के मामले में मेरा दोस्त जो है उसका टैलेंट उभर गया आता है, बस उसे मौका चाहिए उसका टैलेंट दिखाने को। बहुत सही सा दोस्त है मेरा, उसको पता चल गया रास्ता इस तरफ है। तो अभी स्टेडियम, एक्चुअली हमें एड्रेस पता नहीं था, क्योंकि आगे जो हम लोग करते थे वो गया IGS स्टेडियम में करते थे, इंदिरा गांधी स्टेडियम। पर अभी हम लोग का नया एक स्टेडियम बना है प्रैक्टिस के लिए, पर्पस के लिए, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करने के लिए एक स्टेडियम बना हुआ है, शायद ये है। तो चलते हैं अंदर। सो फाइनली पहुँच गए, अब चलते हैं स्टेडियम के अंदर, देखते अल्बर्ट वेरी डेंजरस तो रात हो चुका है, और टेरेस के ऊपर से आपको पूरा कोहिमा का व्यू देखने को मिल जाता है, बहुत प्यारा सा आप देख सकते हैं। और दिन को भी बहुत अच्छा सा दिखता है, पर रात को कुछ ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो अभी हम लोग चलते हैं ये देखने के बाद डिनर की तरफ, देखते हैं आज खाने पे क्या बना है। फर्स्ट डे हमारा रेस है, सेकंड डे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग। सो अभी चलते हैं डिनर करने के लिए, बाय। अच्छा
तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का बोला था दिन अलग आ तो शिलोंग ला क्रीमा ला रखते हैं तो हमारा ट्रेनिंग हो चुका है ख़त्म, कल होगा एग्ज़ाम। तो आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन ही सोचिए। तो हम चलते हैं सर के घर में डिनर करने के लिए, बुलाया है, इनवाइट किया है सर ने हमें डिनर करने को। सब बच्चे जितने भी हैं सब डिनर करेंगे आज सर के घर पे। तो ये रहा हमारा सर, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से। सबके लिए सर बहुत प्यार से सबको अच्छा से ट्रीट करते हैं। तो चलते सर के घर के अंदर करते डिनर, नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल जाएंगे। मिल चुका है, सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, और ये हमारा कार्ड है कोच का, जो हर एक प्लेयर का सपना होता है कि मिल जाए उसको ऐसे कोच का कार्ड। इतनी खुशी मुझे। सो फाइनली अपना जो कोर्स है वो हो चुका है कंप्लीट। अपना ब्लैक बेल्ट डन वो तो आगे से हो चुका था, पर अभी जो मास्टर कोच का था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आफ्टर 4 डेज़ के बाद हम लोग चल रहे हैं अपने घर, कोई वहाँ से हो गया अपना कोर्स कंप्लीट, तो निकलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।